Hello students, Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well. Today we continue with what we where we had left last time. We are reading the passage about, it's an autobiographical account of Martin Amis emergency landing, and we read in the beginning that the writer Martin Amis was on a flight, and midway they got a bomb scare. They got an emergency, they had to land in an emergency at a new airport. And in the last paragraph yesterday we read that the crew of the airplane were giving them instructions regarding the emergency landing and the precautions they need to take. So we are on paragraph 7 now. So they had taken the precautionary measures. Martin Amis had put his wallet in his lap, and he had put his head on the back of the seat in front of him and was waiting for the landing. So now on paragraph 7, the 737 landed like a skimmed stone. Now what is a skimmed stone? When you go on a lake or on the river, you throw stones, usually flat stones. जब आप दरिया के किनारे पे जाते हैं तो आप दरिया में पत्थर फेंकते हैं, तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो पत्थर पानी के ऊपर स्किम करता हुआ आगे बढ़ता है, यानी वो बाउंस होता हुआ जाता है, पानी में डूबता नहीं है। अब ज़ोर से और कोई फ्लैट पत्थर उसको जब इस तरह से फेंकते हैं तो ये सिचुएशन बनती है। तो प्लेन ने भी इसी तरह रनवे पे लैंड किया, यानी पत्थर जो होता है वो स्मूथली एकदम से लैंड नहीं करता, वो तीन चार बाउंसेस के बाद वो प्रॉपरली ज़मीन से चिपक जाता है। सो ये 737 इनकी जो जहाज़ है इसका मॉडल है। सो लैंडेड लाइक अ स्किम्ड स्टोन, लाइक अ बॉम्ब इटसेल्फ। और इनको अंदर ऐसा महसूस हुआ जैसे ये किसी बम के अंदर है और बम ज़मीन से टकराई है, लाइक अ डैम बस्टर, या फिर किसी ऐसे बम की तरह जिसका मकसद किसी डैम को तोड़ना हो, यानी बहुत ही पावरफुल बम की तरह ज़मीन से टकराया, इस अंदाज में वो लैंड किया उसने। द रिवर्स थ्रस्ट केम ऑन विद सच प्रीटरनेचुरल पावर दैट द टेल सीम टू लिफ्ट। सो रिवर्स थ्रस्ट प्लेन के जो पंखे होते हैं जब वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमते हैं, ब्रेक्स के तौर पे काम करते हैं, जब उन्होंने इस तरह से काम शुरू कर दिया और उनकी ताकत नॉर्मल से बहुत हट कर थी, प्रीटरनेचुरल थी, यानी कुदरत से बढ़ कर थी, पावर दैट द टेल सीम टू लिफ्ट, और इतनी ज़्यादा ताकत थी उनके के ऐसे लग रहा था कि जहाज़ की जो दुम है वो हवा में उड़ रही हो। As though the whole aircraft were about to start toppling end over end, और ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरा जहाज सर के बल पीछे की तरफ गिर जाएगा। In this weird squall of gravity and inertia, now gravity ज़मीन की कशिश और inertia restfulness, तो एक जंग जारी थी ज़मीन की कशिश शक्ल में और प्लेन की जो inertia है उसमें। My wallet shot off my lap. इसी दौरान क्या हुआ, इसकी जो wallet इसकी गोद में रखी हुई थी वो यहाँ से उठी and slithered along the floor, और ज़मीन पर रिंगती हुई 4 or 5 rows away, 5 से 6 seats की रोज के कतारों के आगे जाके रुकी। Now the plane was quenched of its speed. अब जहाज़ क्या हो चुकी थी, क्वेंच्ड, उसकी जो प्यास थी वो बुझाई जा चुकी थी। किस चीज़ की प्यास, जो रुकने की प्यास थी, यानी उसकी स्पीड को ख़त्म कर दिया गया था ब्रेक्स के थ्रू और रिवर्स थ्रस्ट के थ्रू। सीट बेल्ट्स क्लिक्ड, जब जहाज़ एक जगह पे जाके रुकी तो लोगों ने अपने सीट बेल्ट्स उतारना खोलना शुरू कर दिया। एंड इमीडिएटली अ प्रेसिंग क्वी हैड फॉर्मड इन द एज़ल, और जहाँ से नीचे उतरा जाता है वहाँ पे एक लंबी कतार बन गई लोगों की, यानी लोग जल्दी से, क्योंकि उनको बताया गया था कि जो भी जहाज़ रुकता है आपने दरवाज़े पे आना है और फौरन जहाज से निकलना है। सो माई पैरामाउंट कंसर्न एट दिस पॉइंट वॉज ऑफ कोर्स टू फाइंड माई वॉलेट,
अब देखें, लोगों को अपनी ज़िंदगियों की पड़ी है, लोग अपनी जान बचाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे जो राइटर मौसूफ हैं उनको अपने वॉलेट की पड़ी है। सो पैरामाउंट में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर जो कंसर्न, जो परेशानी इसको थी, वो थी उसकी वॉलेट। कूलली लिंगरिंग इन अ वैकेंट थ्री पैक, आई वॉज वेल प्लेस्ड टू वॉच द पैसेंजर्स फ्ली पास्ट मी। सो कूलली, ये बड़े कूल अंदाज में ठहरता हुआ, जो अब सीटें खाली हो चुकी थी, उनके बीच में से गुजरा और लोगों को देखा उसके करीब से तेज़ी से गुजरते हुए। वो जहाज़ के एंड की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे दरवाज़ा होता है। एज दे अवेटेड द स्टीवर्डेसेस ऑर्डर, द डोर्स हैड टू ओपन, द शूट्स हैड टू इन्फ्लेट। अब ऐसा नहीं होता कि दरवाजे खुल गए और उन्होंने छलांग लगा दी। दरवाजे पहले खुलेंगे, उसके बाद वो जो शूट्स हैं जिसमें हवा भरेगी, इन्फ्लेटेबल स्लाइड्स होती हैं, उनमें पहले हवा भरनी है, उसके बाद वो नीचे जा सकती है। तो इसके लिए पहले स्टीवर्डेस या एयर होस्टेस उनको ऑर्डर करेगी, उसके बाद फिर वो करेंगे ऐसा। द पैसेंजर्स प्रेस्ड फॉरवर्ड, फोर और फाइव वुमेन। जो पैसेंजर्स थे वो चार पांच खवातीन, वो आगे की तरफ बढ़ी। परहैप्स दोज विद चिल्ड्रन इन द फोर फ्रंट, जिनके साथ बच्चे थे वो ज़्यादा परेशान थे, तो वो सबसे आगे थे इन कतारों में। फिजिकली दे हैड, ओके, यस वी आर हेयर। We are at the end of this page. Physically, they showed no more agitation than children, than say people in fairly desperate need of a bathroom. अब लोगों में कोई इतना ज़्यादा खौफ व हरास नहीं था। अब उन लोगों में किस अंदाज़ की बेचैनी थी, उसका अंदाज़ा वो इस तरह से हमें बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि उन लोगों की हालत उन लोगों की तरह थी जो जिनको वॉशरूम की अशद ज़रूरत हो और वॉशरूम के बाहर वेट कर रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा डेस्परेट वो नहीं थे। बट देयर वॉइस कंटेंट एन एज ऑफ पैनिक, लेकिन जब वो बोलते थे उनकी आवाज़ों में खौफ की एक हल्की सी झलक आपको दिखती थी। इन दोज फ्यू सेकेंड्स आई रिमेंबर ओनली वन वर्ड बींग स्पोकन एंड ऑफन रिपीटेड, प्लीज़ ओ प्लीज़। सो इन आखिरी लम्हात में इसको सिर्फ एक ही लफ्ज़ बार बार सुनाई दिया, और लोग एक दूसरे से कह रहे थे प्लीज़ ओ प्लीज़, यानी जल्दी करें। सोन द स्टीवर्डेसेस वर अर्जेंटली शूइंग देम डाउन द एजल। तो जल्द ही स्टीवर्डेसेस थी, वो एयर होस्टेसेस थी, उन्होंने इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए। फ्लैट्स जो स्लाइड्स थी वो खुल गई और उनको वो एयर होस्टेसेस उनको शू कर रही थी, उनको धकेल रही थी उन एजल्स में। आई वेटेड, मैंने कुछ देर इंतज़ार किया। देन ग्रम्बलिंग एंड वी डोंट नो वट, आई क्रॉल्ड अराउंड इन सर्च ऑफ माई वॉलेट। सो आई वेटेड, इसने कुछ देर इंतज़ार किया। देन ग्रम्बलिंग एंड देश, आई क्रॉल्ड अराउंड इन सर्च ऑफ माई वॉलेट। ये अपना वॉलेट ढूंढने में मगन हो गया। एंड स्कैटर्ड क्रेडिट कार्ड्स, उसमें से इसके क्रेडिट कार्ड्स निकल के बिखर चुके थे, उनको तलाश करना शुरू किया। विच हैड बिन टॉर्न लूज बाई द जीज, जो कि ग्रेविटी के ज़्यादा होने की वजह से इधर उधर बिखर चुकी थी। एट लास्ट आई स्ट्रोल्ड टू द डोर, आखिर में जब इसको इसके कार्ड्स मिल गए, इसकी वॉलेट मिल गई, तो आराम से ये स्ट्रोल करता हुआ, यानी खरामा खरामा चलता हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे तक गया। सिट एंड जम्प द स्टीवर्डेसेस, सेट द स्टीवर्डेसेस। तो जो स्टीवर्डेसेस जो एयर होस्टेसेस थी, उन्होंने इसको कहा कि बैठ जाओ और जंप लगाओ। तो दोज एलोंगेटेड डेंगीज आर अलॉट लेस स्टेबल देन दे लुक। अच्छा, जब आप उनको देखते हैं तो वो जो डेंगीज या जो जो इन्फ्लेटेबल शू स्लाइड्स हैं, वो दूर से देखने में बड़े स्टेबल लगते हैं, बट डाउन आई वेंट वी, लेकिन एकदम से मैं जब उसके ऊपर बैठ गया तो एकदम से वो नीचे हुई और मैं तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा। एंड जॉग्ड अवे फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, और ज़मीन पर पहुंच के मैं हल्के हल्के दौड़ता हुआ जहाज़ से दूर हुआ। विच आई सॉ हैड रीच्ड द वेरी ब्रिंक ऑफ इट्स रनवे, और जहाज़ को जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल रनवे के बिल्कुल एज पे था, बिल्कुल किनारे पे था, यानी थोड़ी
ब्रेक्स अगर ना लगती तो वो एयरपोर्ट के हदूद से बाहर गिर जाता एंड हैड जर्ड टू अ हॉल्ट मिडवे थ्रू अ 90 डिग्री टर्न। और जहाज सीधी नहीं थी, वो 90 डिग्री यानी टेढ़ी होके रुक गई थी, एक हॉल्ट पे आ गई थी। 5 yards from the nose lay the edge of a lumpy brown field। उसकी जहाज की नाक से 5 गज के फासले पे एक खेत था, यानी खेत में अगर वो चली जाती तो ज़रूर उसने उलट जाना था। Around me was being enacted the formless drama that perhaps invariably succeeds every incident of mass crisis or jeopardy। अब जहाज से निकलने के बाद के क्या हालात हैं, इस पैराग्राफ पैराग्राफ नंबर 10 में इस पे बात वो कर रहे हैं। अब जब इसके होश थोड़े बहुत ठिकाने आते हैं तो ये अपने इर्द गिर्द देखता है इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अराउंड मी वॉज इनेक्टेड द फॉर्मलेस ड्रामा, इसके इर्द गिर्द एक ड्रामा शुरू हो चुका था। दैट परहैप्स इनवेरिएबली सक्सीड्स एवरी इंसिडेंट ऑफ मास क्राइसिस और जेपर्डी। जेपर्डी मीन्स डेंजर। जब कोई क्राइसिस, कोई मुश्किल आती है, कोई ख़तरा होता है तो उस सिचुएशन में तकरीबन सब लोग एक ही तरह का रिएक्शन शो करते हैं जो कि इसके इर्द-गिर्द अभी हो रहा है। आई कैन ओनली डिस्क्राइब इज एट अ सीन ऑफ पेक्यूलियर रैगेडनेस। मैं इसको सिर्फ इस तरह से बयान कर सकता हूँ कि एक अफरा तफरी या खुरदरापन था उसके इर्द-गिर्द, यानी लोगों की सिविलाइजेशन कम हो चुकी थी। तमूमन आप किसी अच्छी जगह पे जाते हैं तो लोग पोलाइट होते हैं, दूसरे का ख्याल करते हैं, इज्जत देते हैं दूसरे को, लेकिन इस क्राइसिस में क्या होता है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और एक खुरदरापन बाहर आ जाता है इंसान का। विद साइट्स एंड साउंड समहाउ फेलिंग टू कोऑर्डिनेट, और उसमें आवाज़ और जो नज़ारे दिख रहे थे उनमें कोई मुताबिकत इसको नज़र नहीं आ रही थी। कैसे, अभी इसको एक्सप्लेन करेगा। अ मैन नीड ओवर इन द ग्रास, एक बंदा ग्रास पे बिल्कुल लेटा हुआ था। क्लचिंग हिज हार्ट एंड मॉर्निंग लाउडली, अपने दिल को उसने थामा हुआ था और ऊंची ऊंची आवाज़ में आहोबका कर रहा था। यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द सेम सीन। ओके, सो एक बंदे को देखा जो ज़मीन पे गिरा पड़ा था और उसको अपने दिल को थामा हुआ था, शायद उसको हार्ट अटैक हुआ हो खौफ की वजह से या कोई दिल में तकलीफ़ शुरू हो गई हो। सो वो उसने देखा मॉर्निंग लाउडली, वो कराह रहा था ऊंची आवाज़ में, मॉर्निंग कराहना। अ गर्ल विद अ स्प्रेन्ड एंकल, स्प्रेन्ड एंकल जब आपके पाँव में मोच आ जाए, सो उसके पाँव में मोच आ चुका है। सो वॉज बींग हेल्प्ड अवे थ्री लेगेड टू सेफ्टी, तो कोई उसकी हेल्प करते हुए तीन, दो दूसरे बंदे के और एक उसकी टांग, यानी एक टांग उसने उठाई हुई है, उसको इस तरह अंदाज में महफूज जगह की तरफ ले जाया जा रहा था। बिजली द स्टीवर्डेसेस गेव कम्फर्ट वेयर दे कुड, तो जो एयर होस्टेसेस थी जितना उनसे हो सकता था, क्योंकि वो बिजी भी थी, हर तरफ से उनकी डिमांड है, हर तरफ उनकी ज़रूरत महसूस की जा रही है, तो जहाँ तक मुमकिन हुआ उन्होंने लोगों को दिलासा दिया, उनको पुरसकून करने की कोशिश की। आई माई सेल्फ विद नो डाउट इगरीजियस नो नॉन चैलेंज, अब इसकी अपने सिचुएशन कैसी है, अब इसमें कोई शुबा नहीं है कि इसमें अभी भी कोई परेशानी है, कोई उसके आसार नहीं है, जो उसने सुबह पी हुई थी उसके असरात अभी भी बाकी हैं, इसको कोई बेपरवाही है, बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अटेम्प्टेड टू कंसोल अ वीपिंग वुमन, तो इसने दिलासा देने की कोशिश की एक खातून को जो कि रो रही थी। देयर वॉज अ गुड डील ऑफ क्राइंग इन द एयर, हर तरफ लोगों के रोने की आवाज़ें आ रही थी, शोर हो रहा था। ब्रिटल एग्जल्टेंट, और करख्त किस्म की आवाज़ें थी जिनमें इमोशंस थे लोगों के। सून द फ्रेंच सिक्योरिटी गार्ड्स वर शेपर्डिंग अस टेंडरली अक्रॉस द फील्ड टू द टर्मिनल, जल्द ही फ्रांस के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो हमें हांकते हुए, शेपर्डिंग अस टेंडरली यानी बड़े प्यार से हांकते हुए
टर्मिनल तक, यानी एयरपोर्ट का टर्मिनल जहाँ पे मुसाफिर रुकते हैं उस तरफ वो ले जाने लगे। आफ्टर अ शॉक आई लेटर लर्न्ड द बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ स्वीट टी। अब जब हालात कुछ बेहतर हुए, सब लोग पुरसकून हो गए, सो इसको एहसास हुआ कि इसने ये तजुर्बा हुआ इसको कि जब शॉक लगता है इंसान को तो उस वक्त क्या होता है, बॉडी को मीठे चाय की शदीद ज़रूरत महसूस होती है। बट द ड्रिंक्स वर ऑन बी एम, और इस हालत में भी इसको मजाक सूझ जाए कि ड्रिंक्स जो भी हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी बी ए, यानी जो एयरलाइन है उसकी है। एंड मोस्ट पीपल ड्रिंक अ लॉट ऑफ ब्रैंडी, और बजाय चाय पीने के ज़्यादातर लोगों ने ब्रैंडी पी, क्योंकि मुफ्त थी और ब्रैंडी अल्कोहल की एक किस्म होती है, तो लोगों ने अपने खौफ को कम करने के लिए ब्रैंडी पी। विच आई लेटर लर्न इज वेरी थिंग द बॉडी नीड्स लीस्ट, बाद में इसने जब इस हवाले से थोड़ी स्टडी की तो इसको पता चला कि सिचुएशन में अल्कोहलिक बेवरेजेस पीना बहुत बुरी चीज़ है, यानी ऐसे सिचुएशन में अल्कोहल अवॉइड करनी चाहिए ना कि पीनी चाहिए। लेकिन इंसान की नेचर है कि जहाँ पे कोई चीज़ मुफ्त मिल रही हो बेशक उससे उसको नुकसान ही हो रहा हो उसने उसको छोड़ना नहीं होता। आई कम्प्रोमाइज माई ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ विस्की एंड रिमेंड इन कैपिटल थ्रू आउट द 5 आवर वेट। तो इसने बहुत सारी विस्की पी और रिमेंड कैपिटल मूड, अच्छे मूड में रहा थ्रू आउट जो 5 घंटे की का इंतज़ार करना पड़ा उनको, उस दौरान यह खुशगवार मूड में रहा, इसको किसी किस्म की परेशानी या खौफ नहीं हुई। द इवनिंग सून बिकेम एन एक्सरसाइज इन मैक्सिमम स्पिरिट डी कॉप्स विद द पैसेंजर्स इनफॉर्मली डिवाइडिंग इन टू कैंप्स। स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब एक तरह के लोग जो एक तरह के जज्बात रखते हैं उनके बीच में जो मिलनसारी होती है उसको स्पिरिट डी कॉप्स कहते हैं। वोमन फौज के यूनिट्स जो होते हैं उसमें अपने यूनिट के लिए लोग बहुत कुछ कुर्बानियाँ दे जाते हैं अपने मुल्क के लिए, तो ये स्पिरिट डी कॉप्स इसको कहा गया। सो लोग जो पैसेंजर्स थे वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए इनफॉर्मली, यानी ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ एक साइड एक तरफ दूसरी, लेकिन जनरल ओपिनियंस दो किस्म की हो गई। दोस्त हुए सेंग, एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे आई नेवर बीन सो स्केर्ड इन माई लाइफ, कि ज़िंदगी में इस तरह का खौफनाक हादसा मैंने कभी नहीं देखा, इतना खौफजदा मैं कभी नहीं हुआ। एंड दोस्त हुए सेंग यू थिंक दिस वॉज बैड, दिस वॉज नथिंग। और कुछ और लोग थे जो कह रहे थे कि आपको लगता है कि ये बहुत बुरा इंसिडेंट था, मैंने तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें देखी हुई हैं। सो दिस वॉज नथिंग, लेट मी टेल यू अबाउट द टाइम आए। फिर वो अपना कोई किस्सा शुरू करते कि मेरे इसमें जब एक दफ़ा का जिक्र है कि मेरे साथ, फिर अपना कोई वाकया सुनाने लगते हैं। माई पोजिशन वॉज, इस तमाम सिचुएशन पे मेरी राय कैसी थी, अनयूजल थी, गैर मामूली थी। आई हैड नॉट फेल्ट फियर, मुझे खौफ महसूस नहीं हुआ था, बट आई न्यू दैट फियर वुड हैव बीन एन अप्रोप्रिएट फीलिंग। लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास था कि इस तरह की सिचुएशन में बंदे को खौफजदा होना नेचुरल है। ये इस चीज़ को भी वो अभी आप जब आगे पढ़ेंगे कि जब आप नशे की हालत में होते हैं तो आपके जिस्म को जो रिएक्शन देना चाहिए वो नहीं देती, कुछ देर के लिए वो पोस्टपोन कर देती है, लेकिन बाद में जब आपको एहसास होता है तो वो बड़ी शिद्दत से वो एहसासात जो उस वक्त होने चाहिए थे वो बाद में आपको महसूस होते हैं। तो इसलिए ये कह रहा है कि आई सपोज़ अनयूजुअल, कि मेरी जो राय थी इसकी राय, कुछ लोग कह रहे थे कि बड़ा खौफनाक था, कुछ लोग कह रहे हैं कि खौफनाक था लेकिन मैंने इससे भी खौफनाक चीज़ें देखी। लेकिन इसकी क्या राय थी कि इसने कोई खौफ महसूस नहीं किया, जहाँ पर खौफ महसूस करना चाहिए था वहाँ पर इसने कोई खौफ महसूस नहीं किया। अब क्या है, नाउ ऑल राइटर्स सीक्रेटली मेंटेन अ वैम्पायरिक एटीट्यूड टू डिज़ास्टर। अब ये कह रहा है कि जितने भी राइटर्स होते हैं, ये ख़ुद भी अभी राइटर हैं लिख रहा है, तो दिल ही दिल में ये छुपा के एक एटीट्यूड रखते हैं कि जब कभी कोई तबाही आती है
तो ये वेम्पायर की तरह बन जाते हैं। वेम्पायर आपने मूवीज़ में देखा होगा, ड्रैक्यूला एंड वेम्पायर्स, ये इंसानों की तरह के आप मखलूक समझ लें जो कि दूसरे इंसानों का खून चूसते हैं। तो राइटर्स क्या करते हैं, इस तरह की तबाही जब कोई आती है तो वो उसमें से अपने लिए एक मवाद निकाल लेते हैं, एक कंटेंट निकाल, उस पर वो लिखते हैं तो उससे उनके राइटरपन को तस्कीन होता है, या उससे वो अच्छी स्टोरीज बना सकते हैं, ट्रेजडी से कोई क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं। इसमें भी वो यही कह रहा है कि तमाम राइटर्स दिल में वैम्पायरिक एटीट्यूड रखते हैं जब कहीं पे तबाही आती है, कि उनको उससे फ़ायदा भी होने का इम्कान होता है क्योंकि वो उस पर लिख सकते हैं। एंड हैविंग सर्वाइव्ड इट, जब वो किसी तबाही से गुजरते हैं और बच जाते हैं। आई वॉज अनरिजर्वेडली ग्रेटफुल फॉर द एक्सपीरियंस, उस वक्त जो मेरे एहसास हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल था। ग्रेटफुल मीन्स कि मैं शुक्रगुजार था कि इस तरह का तजुर्बा मुझे हुआ। हेयर आई सैट नॉट इन गैटविक बट इन डिनार्ट, इंजॉइंग अ गुड फ्री डिनर एंड प्लेजेंट कॉमरेडरी। अब हालांकि उसको गैटविक में होना चाहिए लेकिन वो डिनार्ट में लैंड कर गया है, लेकिन फिर भी वो फ्री डिनर है उसके लिए, सबके लिए ही है, लेकिन ये उस फ्री डिनर को कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा है। एंड प्लेजेंट कॉमरेडरी, और उसके साथ थी हैं जिनके साथ इसकी अच्छी बन रही है। एंड व्हेन आई फ्लॉप्ड इनटू बेड एट 5 द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब शाम हो गई, रात हो गई, और शायद इसको नींद नहीं आई रात को, जब ये बेड में गया अगले सुबह 5 बजे, रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट द ओरिजिनल वॉज लेटर सर्च फ्रूटलेसली, तो दूसरी जहाज़ आ गई उस पहली वाली जहाज़ को रिप्लेस करने के लिए, और पहली वाले को तलाश किया गया कि इसमें बम कहाँ रखा है, लेकिन फ्रूटलेसली कोई बम वहाँ से बरामद नहीं हुआ। लेकिन ये इन्फ्रेंस और इम्प्लिकेशन, फ्रूटलेसली सर्च का मतलब कि उसकी तलाशी ली गई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई बम बरामद नहीं हुआ। बैगेज आइडेंटिफिकेशन ऑन द डार्क टार्मेक, और इनका सामान जो बैगेज था वो आइडेंटिफाई किया गया कौन सा सामान किसका है। द इंसिडेंट फ्री कंप्लीशन ऑफ द जर्नी, उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ और ख़त्म हुआ। आई फेल्ट लाइक अ रिटर्निंग हीरो, जब ये तमाम मराहिल से ये गुजरा और घर पहुंचा तो इसको ऐसे लगा कि ये कोई जंग से हीरो वापस अपने घर आता, इस तरह की फीलिंग्स इसकी हुई। अ मैन हु हैड कम थ्रू अ टेस्टिंग टाइम, एक ऐसा बंदा जिसने बहुत मुश्किल ज़िंदगी में देख ली हो और वो अब घर आ रहा हो। विदाउट अ स्क्रैच, विदाउट अ विंस, और जिसने उन तमाम मुश्किलात का मुकाबला बग़ैर जिस्म पे कोई खराश आए और बग़ैर मुंह पे तकलीफ़ के कोई आसार आए, उसने उन सब से गुजरा हो, इस तरह से ये वापस लौटा। एंड आई वॉज रॉन्ग, अब देखें जब नशे की हालत में इंसान होता है ना तो वो जो शौक होता है वो बाद में इसको महसूस होता है, तो नशे से इसलिए मना किया जाता है कि वक्ती तौर पे तो आपको तस्कीन देता है लेकिन उसके जो असरात हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। एंड आई वॉज रॉन्ग, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ऑल्दो आउटवर्डली चीयरफुल इनफ, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक बाहर से मैं बहुत चीयरफुल नज़र आता था। आई वॉज प्रिटी श्योर आई वॉज डाइंग, लेकिन मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास था कि मैं मर रहा हूँ। अब देखें पहले उसको उस खतरे की सिचुएशन में कुछ महसूस नहीं हुआ, जब घर पहुंचा है, नेचुरल माहौल मिल गई है उसको, तो अब उसको ऐसे लग रहा है कि वो मरने जा रहा है। एंड ऑफ नेचुरल कॉजेज टू, और मरने इसलिए मरने वाली हालत इसलिए नहीं हो गई कि उसको कोई चोट आई है या कुछ भी है, नेचुरली उसकी बॉडी की कंडीशन ऐसी हो गई है कि उसे लग रहा है कि मैं करीबुल मौत हूँ। माई बॉडी वॉज सब्जेक्ट टू स्ट्रेंज टिंगलिंग्स, उसको अपने जिस्म में अजीब अजीब झुर्रियाँ महसूस हो रही थी, अजीब सी टिंगलिंग्स महसूस हो रही थी, मैं एहसास महसूस हो रही थी। थ्रू आउट माई ट्रेजिक साइस्टाज आई ले देयर ट्रेम्बलिंग एंड बॉयलिंग, साइस्टा दिन के वक्त जब आप खाना खा के रेस्ट करते हैं उसको साइस्टा कहते हैं, तो अब साइस्टे का टाइम इसके लिए क्या है, ट्रेजिक है। जो ट्रेजिक होना था जहाज़ में जब वो लैंड कर रहा था उस वक्त उसको कुछ एहसास नहीं हुआ, अब जब वो घर पे रेस्ट करने के लिए लेटता है तो ट्रेजिडी में वो बदल जाती है। क्या महसूस होता है इसको, माई बॉडी स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग, जिस्म कपकपाता हुआ महसूस होता है, बॉयलिंग ऐसे जैसे उसका खून उबल रहा।
as if a tram station or a foundry had established itself beneath the bed. ऐसे जैसे उसके बिस्तर के नीचे कोई ट्रैम स्टेशन हो, कोई ट्रेन का स्टेशन हो, ट्रेन जब गुजरती है तो इर्द गिर्द ज़मीन हिलने लगती है, या फिर फाउंड्री, फाउंड्री वो जगह होती है जहाँ पे फौलाद से चीज़ें बनाई जाती हैं, फौलाद को खुद ढाला जाता है. सो कि इसके बेड के नीचे कोई फैक्ट्री हो फौलाद की, या फिर कोई ट्रेन स्टेशन हो, इसको ऐसे लग रहा था, इस पर ऐसे कभी-कभी तारी होती थी. I watched the world through the veils of helplessness. और दुनिया को जब ये देखता था तो एक बेचारगी के पर्दे के पीछे से देखता था. This was no hangover. This was old age. अब hangover ये होता है कि जब आप एक जगह से जहाज़ में सफ़र करके दूसरी जगह जाते हैं तो एक तो नींद पूरी नहीं होती, दूसरा टाइम जोन का फ़र्क होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप अमेरिका पहुँचेंगे तो यहाँ का टाइम और होगा, अमेरिका का टाइम और होगा. यहाँ से आप सुबह रवाना हुए थे, उधर पहुँचते हैं तो फिर भी सुबह है, तो आपके ऊपर एक जिस्म थकन का शिकार हो जाता है, आप सही महसूस नहीं करते. तो इसको लग रहा है कि ये बूढ़ा भी हो चुका है और हैंगओवर नहीं है बल्कि पूरा का पूरा बूढ़ा हो चुका है. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, माय वाइफ सजेस्टेड दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम डिलेड शॉक. अब जब इसकी हालत इसकी बीवी ने देखी तो इसकी बीवी ने सजेस्ट किया, ये बताया कि शायद आपको शॉक अभी देर से महसूस हो रहा है, यानी आपके जिस्म ने तो उस वक्त महसूस किया था लेकिन ज़हनी तौर पे आप शराब के नशे में धत थे, तो आपके जिस्म ने उसको रजिस्टर, आपके जहन में रजिस्टर नहीं किया, तो अब वो चीज़ दोबारा आपके ऊपर आ रही है. विच आई एडमिट गेव मी क्वाइट अ टर्न. तो इससे भी चौंक गया बीवी की जब ये बात मैंने सुनी. Although I had privately diagnosed a brain tumor, तो इसने अपनी उस हालत का ज़िम्मेदार ये सोच के किया था कि मेरे जहन में शायद कोई ट्यूमर पैदा हो गया है, कोई खून जम गया है. I was still reluctant to identify the malaise as an after effect of something that had bothered me so little. तो इसने अपने से ये बहाना भी बना लिया कि अपने जहन में ख्याल कर लिया कि शायद इसके ब्रेन में कोई ट्यूमर है, उसकी वजह से इसको ये सर में दर्द और जिस्म में दर्द महसूस हो रहा है, ये तकलीफ़ से गुजर रहा है. लेकिन इसने ये दिल में हल्के से कहीं पे ये बात भी थी कि उस वक्त जो परेशानी बहुत थोड़ी हुई थी उसको, वो भी ये कर सकती है, डिलेड शॉक इसको हो सकता है. माई बॉडी हाउएवर कंटिन्यू टू इंसिस्ट ऑन द ट्रुथ. लेकिन जिस्म ने इससे डिमांड की कि अब सच को आपको मानना पड़ेगा. Boxers and other operatives in the terror business will be relieved to learn that when it comes to fear, there is no such thing as a free lunch or a free dinner. Okay, hawks कहते हैं धोखा देने को. जब for example पाकिस्तान में अक्सर लोग 112 को कॉल करते हैं, गलत इतला देते हैं कि घर पर कोई इमरजेंसी है, तो जिधर चाहिए उधर जाने की बजाय वो रेस्क्यू कमला उस जगह जाता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती, झूठी कॉल्स होती हैं. तो उस एयरलाइन को भी किसी ने ये गलत इतला दी थी कि जहाज़ पे बम है, तो उस वजह से क्या हुआ कि टेरर फैल गया. तो उसने उसको टेरर बिजनेस कहा कि वो लोग जो इस तरह के काम करते हैं, लोगों को बेजा तकलीफ देते हैं, टेरर फैलाते हैं, विल बी रिलीव टू लर्न. तो उनको ये बात जानकर सुकून मिलेगा. व्हेन इट कम्स टू फियर, के जब खौफ की बात होती है, तो देर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच और अ फ्री डिनर. तो इस मामले में कोई चीज़ मुफ्त नहीं होती, यानी अगर इसमें ये नहीं हो सकता कि आप खौफ से मुबर्रा हो जाएं. खौफ ने आप पे आना ही आना है, चाहे जल्दी आए चाहे लेट आए. सो मच देन फॉर माई वेलर इन द फील्ड्स ऑफ डिनार्ड. तो इसने जो घर वापस लौटा था बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, तो वो सारा हवा में अब उड़ गया. इसको एहसास हुआ क्या ये जो मेरी हालत है ये असल में उसी ट्रेन जहाज़ के एक्सीडेंट की वजह से है, कि वो खौफ मुझ पे अभी रजिस्टर हुआ है. आई इमर्ज फ्रॉम द इंसिडेंट विद अनदर न्यू एक्सपीरियंस एंड नो क्रेडिट व्हाटएवर. सो इस इंसिडेंट से मैं एक नए तजुर्बे के साथ बाहर आया, और इस जो इंसिडेंट हुआ उस पे मेरे क्रेडिट पे कुछ नहीं था, यानी कोई बहादुरी, मैं अब किसी को नहीं बताता कि मैंने बहादुरी की वहाँ पे.
I was as brave as a lord, as brave as a newt. अब ये मैं किसी से नहीं कहता कि मैं एक लॉर्ड की तरह, न्यूट की तरह, न्यूट एक जानवर होता है, उसकी मिसाल दी जाती है कि ब्रेवनेस के लिए, तो मैं अब किसी से नहीं कहता कि मैं उस दिन बहुत बहादुरी से उन हालात का मुकाबला किया। केमिकली नम्ब्ड एट द टाइम, क्यों? क्योंकि मैंने अपने जिस्म में केमिकल्स डाल दिए थे, अल्कोहल एक केमिकल है, उसको मैंने इंटर किया था, तो मैं नम्ब हो चुका था। नम्ब मीन्स मेरा जहन, मेरा जिस्म माउफ हो चुका था। माई फियर ऑफ विच देयर हैड क्लियरली बीन प्लेंटी, खौफ मुझ पर बेतहाशा आ चुका था। हैड जस्ट बरोड डीप एंड वेटेड, तो उस खौफ ने मेरे जिस्म में खंदक खोद दी थी या एक सुरंग बना ली थी, और वो इंतज़ार कर रहा था कि ये केमिकल का असर ख़त्म हो तो वो खौफ बाहर आ सके। तो अब जब घर पहुँच के इसके शराब का नशा उतर गया, तो वो खौफ अब ज़ाहिर होना शुरू हो गया, जो इसके जिस्म में बहुत गहराई तक चला गया था। आई हैड स्नीक्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट विदाउट सेटिंग द बिल, तो किसी रेस्टोरेंट में ये बिल पे किए बगैर वहाँ से निकल आया था, यानी जहनी तौर पर परेशान है, तो इसको एहसास नहीं हो रहा कि ये कहाँ पे है, क्या कर रहा है। द बॉडीज अकाउंटेंट्स हैड रिड्रेस्ड द लेजर विद इंटरेस्ट, सो इसने एक मिसाल दी है यहाँ पे कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में बिल पे किए बगैर निकल आते हैं बाहर, तो वो जो अकाउंटेंट होता है, अगर वो आपको जानता है तो आपके खाते में वो चीज़ लिख देता है, और अगली दफ़ा जब आप जाते हैं वहाँ पे तो पैसे वसूल भी करता है और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट भी आपसे चार्ज करता है। तो जब इंसान किसी खौफनाक हादसे में का शिकार होता है, तो उसमें खौफ ज़्यादा होना ही नेचुरल चीज़ है। सो अगर आप उस वक्त खौफ ज़्यादा नहीं होंगे तो बाद में ज़रूर होंगे, और यही चीज़ शौक के हवाले से किया जाता है। साइकोलॉजी में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी शौक से गुज़रते हैं तो आपको अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए। आप रो सकते हैं, रोना अच्छी चीज़ है, उससे आपके वो जो इमोशंस है वो बाहर निकल आते हैं और आप पुरसकून हो जाते हैं। इसी तरह जब आपने देखा होगा कि किसी घर में अगर मौत हो जाए तो सब इंसिस्ट करते हैं कि वो लोग रोएं, घर उसमें जो अजीज या करीबी रिश्तेदार हैं उनको रोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगर नहीं रोएंगे तो गम उनको अंदर से फिर खा जाएगा, वरना अगर आप रो लेते हैं तो आपके आंसुओं में वो जो नेगेटिव केमिकल्स हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, वो बह जाती हैं। सो अब ये भी कहता है, ये अब इसने ये कहा है कि बॉडी का जो अकाउंटेंट है, उसने जो खौफ था उसको मेरे खाते में लिख दिया था, और बाद में उसने सूद के साथ उसको वसूल कर लिया। एंड फॉर नियरली अ वीक आई वॉज वेयरली पिकिंग अप दैट टेप, और पिकिंग अप द टैब ये एक idiom है, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ आपके ज़िम्मे नहीं भी है उसको, उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल करना। तो उस हादसे के एक हफ्ते बाद तक इसकी हालत बहुत गैर रही, बहुत ख़राब रही, और इसने वो जो खौफ था उसका सामना एक हफ्ते तक अपने घर पे किया, यानी इसका जिस्म बीमार हुआ खौफ का शिकार, और इसको ऐसे लगा जैसे ये मरने के करीब हो चुका हो, यानी वो जो एहसासात इसको उस वक्त होने चाहिए थे वो लेट अभी उसके ऊपर आना शुरू हो गया। सो बॉयज़ दिस इज़ इट, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव फिनिश्ड इमरजेंसी लैंडिंग्स। सो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम फिर इसके एक्सरसाइजेस को देखेंगे। सो टिल योर नेक्स्ट क्लास, I hope you have a good time, and you can search on YouTube for emergency landings. तो आपको बहुत सारी चीज़ें crash landings के हवाले से मिल जाएंगी। Next जो class होगी उसमें मैं अभी आपको कुछ share करूँगा आपसे, ठीक है? So that's it. Read this passage once more, and that's it. See you guys. Allah Hafiz.